आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सहजन की सब्जी। इसे ड्रमस्टिक या मोरिंगा भी बोलते हैं। साल भर में एक बार मिलने वाली इस सीजनल सब्जी में स्वाद भी है और स्वास्थ्य भी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सहजन की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ 400 ग्राम सहजन ले ली हूँ। इसे इस तरह से कट करते हैं और छिलका उतारते जाते हैं। सभी सहजन को हम एक फिंगर के साइज के टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो पहले काट कर भी छिलका उतार सकते हैं। यहाँ सारे सहजन को मैं काट ली हूँ। अब हम 4 आलू लेंगे और इसे भी छीलकर सभी आलू को काट लेते हैं। सहजन की सब्जी कई तरह से बनाई जाती है। कोई इसे बनाने के लिए सिर्फ सहजन का इस्तेमाल करता है तो कोई आलू या फिर दूसरी सब्जियों को भी मिलाकर सहजन बनाते हैं। आलू को मैं यहाँ लंबे पीसेस में काट रही हूँ जिससे सहजन के साथ यह ईजिली पक जाएंगे। सब्जी कटकर रेडी हो चुका है, इसे हम धो लेते हैं। अब तैयारी करते हैं मसालों की। सहजन की सब्जी मैं यहाँ सरसों के मसाले में बना रही हूँ। इसके लिए 2 टेबल स्पून पीसी हुई पीली सरसों लेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 4 हरी मिर्च, 10 से 12 कलियां लहसुन की ले लेते हैं और एक मीडियम साइज का प्याज। सभी को पीस कर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैं यहाँ सरसों को पहले से ही पाउडर बना कर ली हूँ जिससे ये आसानी से पीस जाएंगे। तो चलिए अब सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में ही सहजन का स्वाद अच्छा आता है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें कटे हुए सहजन को डालते हैं और इसे भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें फ्राई नहीं करना है, बस इसका थोड़ा कच्चापन हटा लेंगे। सहजन की फली सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और इसमें पोषक तत्वों का खजाना भी मौजूद है और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट भी लगती है, तो आप इसे ज़रूर बना कर खाएं। तो इस तरह से देखिए सहजन फ्राई हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सभी सहजन को हम निकाल लेंगे। कढ़ाही में तेल नहीं बचा है इसलिए अब हम 1 टेबल स्पून तेल फिर से कढ़ाही में डालते हैं और आलू को फ्राई कर लेंगे। अगर जल्दबाजी हो तो हम सहजन के साथ भी आलू को फ्राई कर सकते हैं। आलू भी फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। आलू को फ्राई कर लेने से सहजन के साथ ये आसानी से पक जाएंगे। अब मसाला फ्राई करने के लिए कढ़ाही में 3 टेबल स्पून तेल डालते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो 1/2 टेबल स्पून मेथी के दाने डालेंगे और अब इसमें पीसे हुए मसालों को डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो रखना है जिससे तेल के छींटे ना लगे। हाई फ्लेम में मसाला डालने से मसाले एकदम से जल जाते हैं, इसलिए हमें लो फ्लेम में मसालों को भूनना है। मसालों को हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये चिपके नहीं। जब मसाले थोड़े से भुन जाए तो इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च डालते हैं। अब इसमें 3 टमाटर काट कर डालेंगे। सरसों के मसाले में टमाटर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालते हैं जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। टमाटर जल्दी गल जाए इसलिए इस स्टेज पर इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिला लेते हैं। मसाले के साथ इसे अच्छे से भून लेंगे। पानी डालकर भी हम मसाले को भूनते हैं जिससे मसाला कढ़ाई में चिपके ना। मसाले में तेल छोड़ने तक मसालों को हम लगातार भूनते रहेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया मसाला भूनकर तैयार हो चुका है और रंग भी इसका कितना बढ़िया आया है। अब इसमें हम भुने हुए सहजन और आलू को डालकर मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। कैल्शियम से भरपूर सहजन की सब्जी जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। 1 से 2 मिनट तक मसाले के साथ भी हम सहजन को भून लेते हैं और अब सहजन को पकने के लिए इसमें पानी डालेंगे। सहजन की सब्जी थोड़ी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है, इसलिए पानी आप उसी हिसाब से डालें। सहजन फाइबर से भरपूर होता है इसलिए ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। सहजन को ढककर 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। 10 मिनट हो चुका है, सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सब्जी हमारा बनकर तैयार है। आलू भी अच्छे से पक गए हैं। अब गैस को बंद कर लेते हैं। सब्जी दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा है।
हमारे यहाँ इसे प्लेन राइस के साथ बहुत पसंद किया जाता है। आप चाहे जैसे इसे खाएं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करते हैं। गुणों से भरपूर सहजन की सब्जी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरी बताई आसान रेसिपी आपको काफ़ी मदद कर सकती है। इसे ट्राई करें। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।